Hey guys, welcome to another scary video। जब रात को बच्चे सोते नहीं हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा सो जा वरना प्रेरणा आ जाएगी, ऑनडर सबकी वीडियो आ जाएगी। चलो देखते हैं कुछ ऐसी स्पूकी वीडियोस जो आपके होश उड़ा देंगी। ऐसी वीडियोस शायद आप रात को अकेले सो नहीं पाओगे, मम्मी पापा के साथ सो जाना। सो गाइस, ट्राई नॉट टू गेट स्कैर्ड। आपको बताना है कि मुझ में से और हर्ष में से कौन ज्यादा स्पूक्ड आउट हुआ है वीडियो देख के। मेरे को तो आदत पड़ गई है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो गाइस, देखते हैं पहली वीडियो। ओके, लिली अपने रूम में आराम से सो रही है और 3 बजे से कुछ नॉक सुनाई दिया, कुछ आवाजें आई। उठ गई बेड से और बैठ गई है बेड पे बेसिकली, और वो आवाजें और क्रीपी हो रही है। उसके बेड के नीचे कोई है, कोई उसका पैर काट लिया किसी ने। ओ भाई, ये कैसे हो सकता है भाई? मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे नहीं यार देखनी है वीडियो। ये सच तो नहीं हो सकता यार प्रेरणा। आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो देखने के बाद, चाहे असली हो या नकली हो, बट आप में से कोई भी आज रात तो अकेला नहीं सो पाएगा। मम्मी पापा के साथ सो जाना, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे कुत्ते भौंकने की आवाजें आएंगी, आप उठोगे। तुझे यहाँ पे कैट दिख रही है राइट में? भाई कैट उड़ गई, ये क्या हुआ? उसमें कोई शक्तियाँ आ गई अपने आप। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या हुआ। ये कैट आई और ये हवा में उड़ गई, ये कैसे? ये नहीं हो सकता, ये कोई एनिमेशन नहीं हो सकती, दिस इज रियल फुटेज। उसके बैकयार्ड के कैमरे की फुटेज है यार। ओके, ये एक फ्रोजन योगर्ट स्टोर है और यहाँ पे ये बंदा देख रहा है कि कोई भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लाइट्स फ्लिकर हो रही है। अंदर कौन है? कौन फ्लिकर कर रहा है? वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ही रैंडमली ये सब हो रहा है। और कह रहे ये देखो यहाँ पे ये लाइट का स्विच है, उसे खोल के बंद करके दिखा रहा है। बट क्या हो रहा है? डीजे लाइट बनी हुई है इसके लिए। क्या था यार? शायद डीजे बॉबी आए होंगे अपना कॉन्सर्ट करने। हॉन्टेड आइसक्रीम पार्लर, नाइस यार, कभी यहाँ पे दिल्ली में भी होना चाहिए। हम भी ऐसे मजे मजे ले आएंगे। ये तो वहीं बैठ जाएगी, वहीं मैं वहाँ गाने गाऊंगी, आइसक्रीम चिलन चिलन, आइसक्रीम चिलन। ऑलराइट, तो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है और इसकी शैडो काफी वियर्ड नहीं लग रही, एकदम बड़ी सी। बड़े बच्चा ऐसे क्यों खड़ा है? किसको देख रहा है ये? पता नहीं यार, कोई कॉस्मिक कनेक्शन, किसी से बातें कर रहा होगा। ये ट्राइपॉड अपने आप गिरा, ऊपर वो लैंप अपने आप हिली, लड़की को थप्पड़ पड़ा, वो बंदे को सर पे चपेट पड़ी। ये बढ़िया यार, मजाक हो रही है भाई। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं भाई। बंदी यहाँ पे विंडो पे ऐसे खड़ी है जैसे एक्चुअल में कोई भूत नहीं लटक गई हो। स्टिल एकदम बिल्कुल हिली भी नहीं है भाई वो बंदी, ऐसे मतलब हिल भी नहीं रही है, शी इज नॉट इवन मूविंग, जैसे मैनिक्विन लगा दियो वहाँ पे। चिल्स दे रही है लोगों को। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, रात को अपनी विंडो पे आओ ऐसे चिल करने के लिए, कॉफी वॉफी पीने के लिए, और सामने आपको ऐसे एक मूर्ति नजर आए। भाई हिल ही नहीं रही। जूम करो, जूम करो, जूम करो। मूव करे उसने। वो मूव करी। जैसे उन्होंने जूम किया उसने मूव किया। ना उस लड़की को कैसे पता लगा कि उन्होंने जूम किया है? जैसे वो उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो जूम करे और फिर मैं उन्हें एकदम से रिएक्शन दूंगी। I'm spooked out, I'm freaking right now। कितनी भी weird वीडियो। तेरे को बहुत शौक है ना रात में कॉफी पी के एकदम बाहर खड़े होने का। Actually मैं कितनी बार विंडो पे खड़ी होती हूँ और सोचती हूँ सामने कोई नेबर होता है से हेलो, थैंक गॉड मुझे कोई दिखता ही नहीं, पेड़ ही पेड़ है। पेड़ से उल्टी लटकती चुड़ैल दिखेगी एक दिन मुझे। बंदा आराम से सो रहा है, उसके बेड का बॉक्स खुलना स्टार्ट हो गया। बॉक्स में क्या हिल रहा है? जोकर। ओ भाई मारो। अबे ये नकली है, ये ऐसे नहीं भाई। वो देख बंदी उड़ गई, बंदी उड़ गई और सो गई फिर से। ये पागल है, नहीं पता कौन है। इसी का कोई भाई भाई होगा, परेशान कर रहा होगा इसको भूत बन के, जोकर बन के। बट कैन यू इवन इमेजिन कि आपका बेड बॉक्स ऐसे रात को खुल रहा है और उसमें कोई बंदा, कितना एफर्ट किया है इसने इसको डराने के लिए सच में। और हद है यार प्रैंक करने की यार। एक तो ये सुनसान रोड पे आने वाले भूतों के लिए ना मुझे अब सिंपैथी होने लग गई है। इतनी वीडियोस देख ली है, अकेले घूमते रहते, भटकते रहते रोड पे यार। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमने अकेले जाना ही नहीं कभी। भाई ये दरिंदा है, ये सायरन हेड घर के भाग के आ रहा है। ओ फ्रीक, उस लड़की का किचन रोल अपने आप खुल गया पूरा और एकदम से उसको टेम्परेचर में ड्रॉप। जब कहते हैं भूत होते हैं आसपास तो एकदम कोल्ड हो जाती है वाइब्स, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे हो गई है। मुझे तो, मेरे को वैसी ठंड लगती रहती है, मेरे आसपास पता नहीं भूत है शायद हमेशा से। ओके, बट अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी सबसे स्कैरी चीज होनी बाकी है इस वीडियो में। चीजें अपने आप गिर रही हैं इधर उधर, वो बंदी पे ही नहीं कर रही है टेंशन, कह रही है हो सकता है, अपने आप हो सकता है। हाँ, बंदा यही सोचता है यार, नॉर्मल है मतलब। ओके, कोई ये एक्सपेक्ट थोड़ी करता कि आज मैं काम पे जाऊंगा और मुझे भूत से मुलाकात होगी। उसका लैंप मूव कर रहा है। ओह नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ये दिस इज नॉट ट्रू मैन। तुमने देखा क्या हुआ है? एक शैडो पास हुई वहाँ से। कैसे हो सकता है ये? मम्मी मुझे डर लग रहा है। यही रीजन है तो किचन में कुकिंग नहीं करती? मेरे पास किचन में कुकिंग ना करने के बहुत रीजंस हैं। ये एक ऐसा रीजन है जिस वजह से मैं शायद कुकिंग करना स्टार्ट कर दूं। यू नो आई वांट टू मीट अ घोस्ट। ये खाली घर है, यहाँ पे ग्रीन लाइट्स हैं। हिला नानी कैम लगा होता है ना जैसे। हाँ। और सोफा कैसे मूव कर गया इतना बड़ा से? कुछ गिरा। ओ गॉड, ये चीजें कैसे हिल। फिर कुछ मूवमेंट हुई यार, हो सकता है स्प्रिंग लगा के वो लोग कुछ पुल कर रहे हो। एक तो मुझे बिलीव नहीं होता इन चीजों पे, बट जब मैं देखती हूँ तो मुझे चिल्स आ जाते हैं। ये क्या था एंड में? ये जो लड़की है अपनी सिस्टर्स के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, बट इसकी सिस्टर्स ने इसे अबैंडन कर दिया और घर में एकदम अकेला छोड़ दिया है। हम भी हाइड एंड सीक खेले, मेरा मन कर रहा था एक्चुअल में हाइड एंड सीक खेलने का। घर पे अकेला छोड़ जाऊंगा नहीं प्लीज। ये आराम से किचन में बैठी है, कह रही है मेरे को नहीं खेलना हाइड एंड सीक, मेरा हो गया। बेचारी अपनी दर्द भरी कहानी सुना रही, कह रही है मेरी सिस्टर्स मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। तो इसको पता है इसका मतलब। या एग्जैक्टली, वो कह रही है उसको ना बार बार नॉक नॉक की आवाज सुनाई दे रही है। वो कह रही है बहुत ज्यादा हो रहा है, बस कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, इस पे प्रैंक हो रहा है, बता रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है, बार बार उसको नॉक नॉक की आवाजें सुनाई दे रही हैं, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। हर्ष, ये बहुत स्पूकी है। ये अंकल, टकलू अंकल कौन है? टकलू अंकल या फिर उसकी बहन थी, वो लेटी हुई थी वहाँ पे। क्या पता कोई मास्क पहन के लेटी हो। डैम, दिस इज स्पूकी मैन। अच्छा, इस लड़की ने और भी रिकॉर्डिंग्स करी है सेम नाइट की, और वो डर चुकी है बहुत ज्यादा। मैं भी डर जाती यार, कौन मूवी वाला सीन हो रहा है इसके साथ। तो क्यों खोल रही है यार ये ना, मुझे इनका फॉरेनर्स का समझ नहीं आता। ये लोग क्या करते हैं, मतलब इतने डूड बनते हैं कि बाहर जाके देखेंगे कि हो क्या रहा है। डर के जा रही है, शोर आ रहा है, फिर भी बंदी को बाहर जाना है। कोई डरा रहा है इसको। इसका सिर टकरा गया पता है दीवार से। इंट्रूडर है यार कोई। तो ये भूत से ज्यादा मुझे कोई किडनैपर लग रहा है यार, पोलर बियर टाइप लग रहा है कुछ। आई रियली होप कोई वीडियो भी अपलोड नहीं हुई पता है इस अकाउंट पे। आई जस्ट होप कि ये बंदी सेफ हो। गाइस, अगर आपको कुछ भी पता है कि ये रियल है फुटेज है नहीं, जरूर बताना, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट हर यार ना। उसने डोर क्यों खोला यार, ये समझ नहीं आया मुझे कुछ। हम जैसे इंडियन बच्चों से सीखो कुछ, हम तो अपने बेड से भी नहीं उठते। मेरे जैसा बच्चा तो वो चादर भी अपने मुंह के ऊपर करके सोता है कि अगर भूत आ भी रहा है ना तो जो करना आंखें बंद बंद में ही कर जाए। तुम चादर तान के सो जाओ। इस वीडियो में एक लड़की है, ये घर पे अकेली है, एंड सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसके घर में कुछ कर्टन्स जो है वो वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसका एसी बंद है और फिर भी उसके कर्टन्स हिल रहे हैं। उसकी कैट्स भी नहीं है घर पे। ओ डैम भाई, ये क्यों ऐसे एक्ट कर रहे हैं? और बंदी फिल्म कर रही है, यानी कि भागे यहाँ से, किसी को बुलाए अपने पास। ऐसे में बड़ी बुरी हालत हो जाती है, सच बता रहा हूँ। इमेजिन आप अपने घर पे बैठे हो और कोई भी चीज लाइक नॉर्मल आपके कर्टन या फिर आपके पिलो का ये साइड वाला झुनझुना ये सब हिलने लग जाए। जब हवा का कोई सोर्स ना हो तो भी। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके अंदर ये लड़की जा रही है दरवाजा बंद करके। दरवाजा, दरवाजे का मन ही नहीं है। I'm not interested यार। दरवाजा कह रहा है आज मुझे बंद नहीं होना प्लीज मैम, मुझे अपने मूड से चलने दो, आप मत चलाओ, अभी मूड नहीं है। या कोई शक्तियाँ थी, बुरी शक्तियाँ जिन्होंने दरवाजे को वापसी की। कॉमेडी के मूड में डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा एक्चुअल में। आज मेरे साथ खुद हर्ष बैठा है। ऑलराइट, सो ऑल एलेक्सा लवर्स ये वीडियो देखते हैं। एलेक्सा में भूत होते हैं, मैं बता रहा हूँ। हा 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 कर रही है एलेक्सा में, पूछ रही है तुम कहाँ हो। साइमन से हा 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 हा। भाई एलेक्सा को कुछ कुछ दौरे पड़ रहे हैं। आई एम एट द एंड। भाई एलेक्सा ने जवाब दे दिया, कह रही आजा आजाओ हवेली पे, खरीद लेते हैं हर्ष। एक स्कैरी वीडियो एलेक्सा के साथ। कुछ नहीं होता यार, ये सब बता रहा हूँ। लड़की वापस आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड के घर से और इसने देखा कि रास्ते पे एक बहुत ही वियर्ड सा आदमी है और उसे इग्नोर किया, कोट की उसने इग्नोर किया। बट उसे फिल्म करती रही वो। ओ डैम, उस बंदे ने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ओ मैन, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ यार। बंदा उसके पीछे पीछे आ रहा है यार, ये क्या कर रहा है? उस लड़की को लगा कि शायद ही इज ड्रंक, और उस बंदी ने क्या करा कि जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर दिया और अपने घर पहुंच गई। बट वो बंदा उसके घर भी आ गया गाइस, स्टॉकर। डैम, वो उसकी विंडो के पास भी आ गया। यार इसके पास फोन नहीं था क्या? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया इसने? डैम, वो बंदा उसके गार्डन के थ्रू उसके घर भी आ गया। भाई ऐसा भी क्या हो गया उस बंदे को? और वो बंदा वहीं पे रहा जब तक उसके मॉम डैड घर नहीं आ गए वापस। किस किस को एक्चुअल में भूत देखने का रियली अंदर से शौक है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जा भी टेरेस पे जा, दिख जाएगा जा। बंदा बड़े आराम से सो रहा है और एकदम से ठंड की हवाएं चलने लग गई, जैसे भूत आने वाला होता है ऐसे होता है। पर्दे हिल गए, पूरा हिल गया, खिड़की ओपन हो गई है, उसे ठंड लग रही है, वो थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा है बंदा। आ गया भूत, आ गया। भाई देखियो कैसा भूत है, पूरा उसने मुंडी निकाल दी यार। भाई है तो बहुत डरावना वैसे यार, कोई कार्टून कैरेक्टर लग रहा है मुझे। हाँ, सांप जैसा, जिसकी दो बड़ी-बड़ी आंखें होती हैं। इमेजिन आप सो रहे हो और कोई आपको कंटिन्यूअसली ऐसे विंडो से खड़े होके देख रहा है। ये बंदा कह रहा है अपना फोन फ्लिप करो, कुछ रिकॉर्डिंग दिखा रहा है अपने फोन में। कह रहा है कि अब आप देखो कि कोई बंदा पास करेगा। It's 44 seconds long, so I can't play the full 60. Okay. जब वो आगे गई फुटेज तो कोई बंदा नहीं था, जब उसने फॉरवर्ड करके बैक करी तो उसके अंदर एक शैडो दिखी। भूतों के चार पैर होने लग गए आपसे। बंदा था यार, ये कैसे हो सकता है? मेरा वीडियो एडिटर्स, अगर आप हो, जो भी यहाँ पे वीडियो एडिटर्स है, वो मुझे बताएं कि जब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ तो कोई शैडो नहीं है, पर जब मैं उसे फॉरवर्ड करके पीछे लेके जाता हूँ तो शैडो, और शैडो के चार पैर है। कैन यू फ्रिकिंग बिलीव इट? सच्ची कह रही हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी। 2002 में ये डार्क वेब पे एक वीडियो पोस्ट हुई थी, इसमें एक बंदा लेटा हुआ था किसी लड़की के बेड के नीचे, वो बस वेट कर रहा था कि वो लड़की अपने बेड से एक बार उठे, और जब वो सो गई तो उसने उसको एक पेड़ से बांध दिया। कैसे हो सकता है? और उसने उसकी मॉम को वो वीडियो दिखाई, सुन के मेरी रूह कांप रही है एक्चुअल में। इमेजिन कर रही है, मैं सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ। सो 2013 में एक फैमिली मिसिंग हो गई थी जिसमें 3 मेंबर्स थे, आज तक नहीं मिली, बट जब से वो लोग मिसिंग हुए उनका हाउस कभी भी सेल नहीं कर पाया कोई भी बंदा, कोई भी रियल एस्टेट एजेंट। एंड अभी फाइनली 2 इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा है कि हम इसमें देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये घर नहीं बिखरा। एंड जैसे वो स्टेप इन करते हैं उनको कुछ वियर्ड चीजें सेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। बंदा कह रहा है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है दया, यहाँ पे लाइट जला लो ना, सब सही लगेगा, फिर अंधेरे में देखोगे डर तो लगेगा ही। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये भी बोला गया था कि डोर्स को हर टाइम लॉक पोजीशन में रखना है, उसे खुलना नहीं है। कबर्ड्स भी हाफ ओपन है यार। एक तो ये ऐसे घर होते हैं ना, अपने आप में ही डर लगता है, अंधेरा करके लाइट से सर्च कर रहे हैं यार, लाइटें जला लो, क्या कर रहे हो यार। क्लोजेट्स में तो सबसे ज्यादा डर लगता है, इतने सारे कपड़े होते हैं और वो हर बार यही दिखाते हैं क्लोजेट में भूत होते हैं। देख रहे कैबिनेट्स के डोर ना सारे आधे ओपन है, एग्जैक्टली जैसे कोई आया हो यहाँ पे। एंड फाइनली उन्होंने कुछ कैप्चर किया कैमरा पे। ओ गॉड, नीचे कुछ था भाई, उन क्लोथ्स के रैक के पीछे किसी बंदे के पैर नजर आ रहे हैं यार, कोई खड़ा हुआ था वहाँ पे, पता है। तो यहाँ पे इस घर के अंदर एक बूढ़ा का रूम है, भगवान जी के लिए एक रूम बनाया, और उन्हें वहाँ पे भी साउंड सुनाई दे रही है, कुछ बेल वगैरह रिंग हो रही है, जैसे बूढ़ा के लिए हम एक्चुअल में रिंग्स वगैरह, बेल्स वगैरह डेडिकेट करते हैं, प्रतीक होता है वो उस चीज का, तो उन्हें वो बेल्स की आवाज सुनाई दे रही है। भाई बंदों में डेयरिंग है, पूरा अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं हम कुछ तो फाइंड आउट करके रहेंगे। इतना कुछ देखने से उसके बाद कह रहे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इज जैसा वो छोड़ के गए थे वैसा ही है सब कुछ। भाई बंदे पूरी तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने वो बेल बजाई। तेरे फोन की बेल क्यों बज रही है? भाई बंदा कह रहा है कि मैं जब बाहर गया था तो मैंने दरवाजा बंद किया था, पर जब मैं आया हूँ तो ये ओपन कैसे है? गॉड यार, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, पता है ऐसे, मतलब तुम लोग घर भाग जाओ यार, क्यों अंदर अपनी जान जोखिम? ये कुछ नहीं होगा, इनको फुल पंगे ले रहे हैं घर में, फुल पंगे। भाई उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा मैं ऑल्टर रूम में रुकूंगा और अकेला सर्च करूंगा। यार क्या डूड है ये बंदा यार, 30 मिनट्स तक वो यहाँ पे है, कुछ नहीं हुआ उसको। बंदा बोर हो गया और कह रहा है बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इनमें बहुत ज्यादा मतलब दम होता है यार, दम होता है, पेशेंस होती है यार, और एक्चुअल में तभी इनको कुछ ना कुछ मिलता है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है घर में। लाइट जला लो यार। यार वो बंदा सो कैसे पाया होगा ना, बाद में ये सोच के कि उस घर में पैर थे जब उसे फुटेज दिखी होगी। अब उसके कैमरा का फोकस जा चुका है, क्या होगा प्रेरणा? ये होगा जो मंजूर है खुदा। भाई उसको स्लाइड करने की डोर की आवाज आई है, फिर से वो पैरों वाला भूत निकल के आया। मैं स्टोरी, आई कैन टोटली बाय दिस स्टोरी, मुझे लगता है ये सच में है, ऐसा घर है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि मुझे घर देख के भी बहुत स्पूकी वाइब्स आ रही है यार। ये बंदा बार बार ये कह रहा है कि मैं बंद कर रहा हूँ डोर्स, और डोर्स ओपन है, कैसे हो सकता है ये? एज ए कोई घोस्ट मतलब कह रहा है कि दरवाजे खुले रखो, बंद मत करो। फिर कोई फुटेज, कुछ तो है यहाँ पे, कोई फेस बन रहा है या कोई शैडो है, क्या है, कुछ तो है। ओ भाई, ओ डैम, फेस था कोई। ओके, ये बंदी जो है ना ये कह रही है कि हम अब इन्वर्टेड फिल्टर ऑन करके अपनी स्टेयर से नीचे जाओ। वियर्ड सी बन गई ना इन्वर्टेड ऑन में उसकी फुटेज। भाई मेरे ऐसा बंदा तो करते करते ही गिर जाए। अभी ये क्या है, एकदम से हेजी हो गया। ऐसा लग रहा है कोई इमेजेस नजर आई, ऐसा लग रहा है कोई ऊपर आ रहा है। भाई वो बंदी उल्टे पैर वापस आके कह रही है ब्रो आई कांट डू दिस, मैं आज रात को स्टेयर से नीचे नहीं आ पाऊंगी यार। ऐसे भूत नजर आते हैं, शक्लें बन जाती है इन्वर्टेड कैमरा ऑन करके। ये मेरे को नहीं खेलना ये गेम। ओ भाई बंदा बहुत डरा हुआ है, कह रहा है मैं 3 बजे उठा हूँ फॉर नो रीजन, और मैंने उठ के सीधा सोचा कि फोन पकड़ के कैमरा में वीडियो बनाते। कह रहा मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, बाहर गए हुए लोग, घर पे अकेला हूँ मैं। उसकी आंखों में से पानी ऐसे निकला, ग्लिसरीन डाली हो बंदे ने। देयर इज समवन इन माय रूम, प्लीज हेल्प। अबे पुलिस को कॉल करना, क्या कर रहा है, हमसे हेल्प मांग रहा है। टिकटॉक बना रहा है, कह रहा है टिकटॉक पे फेमस होऊंगा मैं। अच्छा खासा बंदा है और कह रहा है टिकटॉक में एक्टिंग देख, इसीलिए टिकटॉक इंडिया में बैन कर दिया। ऐसी फालतू हरकतें करते हो ना। देख प्रेरणा, नींद तो आने वाली नहीं है। एग्जैक्टली गाइस, इतनी डरावनी वीडियोस देखने के बाद आज तो क्या एक हफ्ते तक नींद नहीं आने वाली। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। मजा आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और घोस्ट वीडियोस ऐसे देखनी है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स में बताना, लाइक करना, वही यूजुअल सा है अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।